Hey guys, welcome back to my channel. So, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों से मेरा हेयर केयर मास्क शेयर करना चाहती थी, बट वेदर के कारण से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी, बिकॉज रोज रोज बारिश बारिश बारिश। सो फाइनली आज कड़क वाली धूप निकले, कड़क मस्त कड़क वाली धूप। सो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से शेयर कर ही लेती हूँ। इतना वेट आप लोगों को कराने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, सो फाइनली मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैं महीने में एक बार अपने हेयर में गोबर लगाती हूँ। क्या लगाती हूँ? गोबर। मतलब इतना अच्छा है ना हेयर में गोबर लगाने। आप लोगों को शायद पता नहीं था कि हेयर में गोबर भी लगाया जाता है, कितना अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। आप लोगों को पता है? आप लोगों को अगर जानना है तो मेरे वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुक एट सी, अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर कटोरी में, अभी मैं कड़ी पत्ती उसके बाद ब्लैक टी को बॉइल कर रही हूँ। बॉइल करने के बाद इसको हम देंगे गोबर में। मैंने रेडी कर ली है और मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है और इसके फायदे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो आर यू रेडी गाइस? तो मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ अपना गोबर पैक को। दिस इज नॉट ए गोबर पैक, मैं आप लोगों से जस्ट ऐसे जोक मार रही थी आप लोगों को हंसाने के लिए। दिस इज ए मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। हिमालयन हेना पैक, ये बहुत ही अच्छा है हेना पैक। हिमालयन नेचुरल शाइन, नेचुरल कलर देती है, उसके बाद सॉफ्ट शाइनी एंड हेल्दी हेयर बनाती है हम लोग को हेयर को। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या है मैं आप लोग को एक एक पढ़ के बता रही हूँ। यहाँ पर है प्रीमियम राजा, उसके बाद आंवला, करी लीव्स, मेथी, शिकाखाई, बेहरा, उसके बाद हरद, नीम, ग्रीन टी, इसमें है सब चीज़ें। बहुत ही अच्छा है हेयर के लिए। उसके बाद अब मैं बताऊँगी, मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा, जो मेरा घर में ही है, ये बाहर से मैंने नहीं खरीदा, घर पे मेरा बहुत सारा एलोवेरा ट्री। तो ये हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके इसका तो बेनिफिट बहुत ही है। ये तो स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए मतलब ये मतलब क्या ये मस्त चीज़ है, मेरे को बहुत ही पसंद है ये एलोवेरा। और इसको लगाने हेयर के बेनिफिट से है कि इसको ना लगाने के बाद आपके हेयर बहुत ही शाइन देती है, मतलब बहुत ही शाइनी हो जाती है आपकी हेयर। और उसके बाद मैंने लिया है एक छोटा सा एक, इसके फायदे है कि ये हेयर को बहुत ही ग्रोथ देती है। उसके बाद ये है लेमन। लेमन आपकी मतलब आपकी हेयर में अगर मतलब डैंड्रफ है तो आप इसको दे सकते हैं, अगर आपकी हेयर में डैंड्रफ नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी में यहाँ पर मैंने लिया है, मैंने आप लोगों को बताया था तब मैं जब इसको बॉईल कर रही थी। यहाँ पर मैंने लिया टी, ब्लैक टी, उसके बाद करी पत्ती, उसको मैंने बॉईल करके रखा है, इसको मैं भी मिक्सअप करूँगी। उसके बाद मैंने ये नया लिया है कोकोनट ऑयल, ये मतलब आप लग दे भी सकते नहीं दे सकते आपकी चॉइस है। तो मैं अभी इसको मिक्सअप कर लेती हूँ। प्लीज़ अगर मेरे बोल मतलब मैं ना जब बोलती हूँ हिंदी तो मैं तोतला जाती हूँ अटक अटक के, मतलब कुछ गलतियाँ अगर हो जाए तो प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर देना। तो अभी मैं इसको मिक्सअप कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना दो पैक लिया है हेना को, बिकॉज मेरा हेयर तो ज़्यादा लंबा भी नहीं, पर फिर भी मैं अच्छे से सब मतलब स्कैल्प में भी लगाऊंगी अच्छे से, इसलिए मैंने दो पैक लिया है। ये 25 इसका वेट नेट वेट है 25 ग्राम, टू पैक लिया है मैंने। इसको मैंने पहले ही फाड़ दिया था, मतलब मैंने ऐसे ही चेक किया था। मैं इसको यहाँ पर दे देती हूँ।
यहाँ पे कोकोनट ऑयल दूंगी, थोड़ा सा, थोड़ा पानी। पेस्ट को ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाए, थोड़ा मतलब इतना गाढ़ा भी नहीं, इतना पतला भी नहीं, मीडियम बनाना है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। महीने में मैं तो सिर्फ एक ही बार लगाती हूँ, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग महीने में दो बार भी लगा सकते हैं। मेरे पास टाइम तो है, फिर भी मैं थोड़ा आलसी हूँ ना, इसलिए मैं महीने में एक बार ही लगाती हूँ। सो फाइनली दिस इज, अच्छे से मिक्सअप करना चाहिए। सो फाइनली डन, तो मेरा मतलब पेस्ट बनाना हो गया, तो अभी मैं इसको हेयर में अप्लाई करूंगी। मैंने अभी एक मिनर ले लिया है, अब मैं खुद लगाऊंगी अपने हेयर में, बिकॉज कोई और नहीं है तो लगाने के लिए, तो मैं खुद ही लगा लूंगी। सो मैं अभी लगा रही हूँ। मिनर पकड़ने के लिए भी जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा इधर में रख के लगाती हूँ। पूरी स्कैल्प में लगाइएगा, बिकॉज स्कैल्प में बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हेयर में मतलब जर मजबूत नहीं होगा, नहीं तो स्कैल्प में अगर आपने नहीं लगाया तो। फाइनली डन, मेरा लगाना हो चुका है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी 40-50 मिनट, जब तक ये ना सूखे। अगर आप हेयर में अगर कलर चाहती है तो परसों शैम्पू से धोना, और उसके बाद अगर आप हेयर में कलर नहीं चाहती तो आप जिस दिन हेना लगाओगे उसी दिन आप शैम्पू कर लेना। मैं तो आज ही शैम्पू करूँगी, बिकॉज मेरे को कलर नहीं चाहिए, मेरे को तो नेचुरल कलर ही अच्छा लगता है। सो वेट, मैं इसको थोड़ा सुखाने के लिए धूप में खड़ी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बाद में मिलते हैं। जो मेरा एलोवेरा बचा हुआ था उसको मैं अब स्किन में लगाऊंगी, इसको मैं मसाज करूंगी अपनी स्किन में, बिकॉज बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, पिंपल की। अगर आपके फेस में अगर पिंपल है तो आप रात को रोज एलोवेरा जेल लगा के सोइएगा, बहुत ही अच्छे फायदे मिलेगी आपको। और मैंने रात सोने से पहले मैं एलोवेरा जेल लगा के सोती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने, अब मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी। और मैंने गोबर भी धो लिया है अच्छे से। सो मेरे हेयर शाइन कर रही है कि नहीं कर रही है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और देखिए, लुक एट सी, शाइन हो रही है ना मेरे हेयर, एंड बहुत ही मजबूत बन गए, देखो हेयर बहुत ही स्ट्रांग। एक्चुअली ना हेना लगाने से हेयर को बहुत ही स्ट्रांग बना देती है, देखो मेरा हेयर को भी हेना ने स्ट्रांग बना दिया है। एंड लुक एट सी, नो हेयर, देख सकते हैं आप रिजल्ट यहाँ पर ही। मैंने मतलब कि हेयर को मैंने इस तरह खींचा, खींचने के बाद देखो नो हेयर, एक भी हेयर नहीं झड़ा, मतलब बहुत ही अच्छे फायदे। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं हेना को महीने में, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग दो मतलब महीने में दो बार यूज़ करते कर सकते हैं, बट मैं एक बार ही यूज़ करती हूँ, मैं अटक जाती हूँ। और प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, कुछ गलतियाँ हो जाए तो बोलते बोलते मतलब अटक अटक सी जाती है। तो एनीवेज, तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो देखकर अगर अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और जो न्यू व्यूअर्स है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।